नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी इन एसोसिएशन विथ अवर एन जी ओ वुमन पावर एंड सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन रजिस्टर्ड विथ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स मैं हूं जितेंद्र टवर मलानी उर्फ टोनी आज हम लोग हैं उल्लासनगर में विच कम्स एंड थाने डिस्ट्रिक्ट उल्लागर में मेरा आना जाना बहुत होता है बिकॉज मेरे रूट्स यहीं पर हैं बॉर्न एंड प्रोटब इन उल्लास नगर ट्वेंटी ईयर्स बैक आई शिफ्टेड टू वाशी तो चलिए मैं अपने बारे में आज नहीं बात करूँगा मैं बात करूँगा यहाँ की बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी ऑफ़ उल्लासनगर मिस्टर सुंदर दास डंगवानी साहब हैं हमारे साथ में एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर सिंधी गॉड जय जुलेलाल साईं इनके चरणों में हमने न्यूज़ टीवी को भी बिठाया हुआ है एनजीओ का बोर्ड भी हमने यहीं पे जानबूझ कर लगाया ताकि आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स मिलती रहें तो so, सुंदरदास डंगवानी एक्चुअली ड्वायर एनी ऑफिशियल इंट्रोडक्शन बिकॉज ई इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी हिंदी में जैसे कहावत है कि सूरज को दिया दिखाना अब मैं छोटा आदमी इनकी तारीफ क्या करूँ तो आप सभी जानते हैं उल्लासनगर के लोग तो काफ़ी लोग जानते हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी जहाँ जहाँ सिंधी बसे हुए हैं सिंधी कम्यूनिटी वहाँ वहाँ सुंदर दास जंगवानी का नाम फेमस है उल्लासनगर में इनकी जर्नी सोशल वर्क में ये जो आप देख रहे हैं सिंधु यूथ सर्कल जहाँ पर ये अब शूट चल रही है सिंधु यूथ सर्कल का नाम हर बच्चा बच्चा जानता है नगर का नॉट ओनली इन उल्लास नगर बट आई थिंक इट्स फेमस अक्रॉस इंडिया थ्रू आउट द वर्ल्ड रादर से तो चलिए सुंदरदास डंगवानी सर वेलकम टू अवर न्यूज़ टी वी चैनल मैं आपको दादा आई आई विल कॉल यू दादा दैट इज़ मोर कन्वीनियंट टू मी तो आई विल कॉल हिम एज अ दादा विथ इज ड्यू परमिशन तो दादा आपका स्वागत है न्यूज़ टीवी और एनजीओ हमारा काम ही है एनजीओ का काम मैं आपको बता देता हूँ न्यूज़ टीवी तो ऑब्वियसली आप समझ ही रिलेटेड विद मीडिया है बट एन मतलब हम कोशिश करते हैं ऐसे फेमस पर्सनैलिटीज़ को हम अपने चैनल पर लेके आए उनका इंटरव्यू ले द पीपल हु आर इंस्परेशनल फिगर्स फॉर अदर्स जिनको जो दूसरों को इंस्पिरेशन देते हैं हमारे जैसे लोगों को कॉमन आदमियों को जब दादा जैसे लोगों से इं, इंस्पिरेशन मिलती है तो मेरी ये ड्यूटी बनती है एज अ न्यूज़ टीवी चैनल हेड एंड एज अ एन जी चेयरपर्सन कि मैं ऐसे लोगों का इंटरव्यू लूँ उनकी लाइफ जर्नी के बारे में पूछूँ ताकि दूसरों को इंस्परेशन मिले तो सर वेलकम टू अवर शो दादा जय जुलेलाल सर आपकी ये जो जर्नी थी सिंधु यूथ सर्किल आपके बगैर अधूरा है आप सिंधु यूथ सर्किल के बगैर अधूरे हैं ये जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई बचपन जवानी अब थोड़ी और जवानी आई वॉज स्टूडेंट आई वॉज दैट टाइम इन इनटीन सिक्सटी एंड अराउंड एट स्टूडेंटर सो वीट वी थॉट इट दैट वी शुड स्टार्ट अर्गनाइजेशन टू डिस्कसल हमें क्या करना चाहिए अपने लिए समाज के लिए तो 1962 में हमारी यह संस्था की फाउंडेशन पड़ी और ये दो हजार वी आर सेलिब्रेटिंग डायमंड जबली सो वी हैव कम्प्लीटेड 60 ईयर्स आवर जर्नी इज 60 ईयर्स ओल्ड एंड वी आर रनिंग मोर देन 21 वन एक्टिविटीज हेयर एंड आई डोंट थिंक दैट एनी ऑफ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन डूइंग सो मेनी एक्टिविटीज पर्टिकुलरली कम्युनिटी दे हैव कॉलेजेस धर्मशालाज स्कूल्स बट दिस कल्चरल टाइप ऑफ एक्टिविटीज आई थिंक इट इज़ द ओनली सिंधु सर्किल एंड इट इज़ इंटरनेशनली नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड पर्टिकुलरली वेल टोल्टीन सिक्सटी टू तो उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी आई वॉज जस्ट हार्डली फोर्टीन टू फिफ्टीन ईयर्स ओल्ड सर ये फोर्टीन फिफ्टीन में तो एक चंचल स्वभा की उम्र होती है इट्स अ टीन एज एंड uh, काफ़ी फिसलने वाली उम्र होती है ये लेकिन आपने उस एज में एट द एज ऑफ फोर्टीन वेन अदर्स वेयर रोमिंग अराउंड प्लेइंग टाइम पास कर रहे थे लाइफ में आपको इतना सीरियस थाट कैसे आया ये देखिए जब से बचपन से मैंने होश संभाला है तो मुझे लीडरशिप का शौक रहा है जब स्कूल में भी था जब भी फोर्थ स्टैंडर्ड से लेके तो लेक्चर देना लीडरशिप करना वो फिफ्थ फोर्थ से ही मैंने चालू की है तो दिस इज गॉडली गिफ्ट टू सर। बट से फिर कहीं पे जॉब वगैरह किया कुछ सी आफ्टर डूइंग आई वेंट फॉर टी एफ आर दैट इज यू नो इट इज अ वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूशन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सम डिप्लोमा कोर्स वाज देयर सो आई ज्वाइन दैट डिप्लोमा कोर्स एंड आई कम्पलीटेड देयर

लेकिन मैं पाकिस्तान में नहीं बोलूंगा मैं सिंध में पैदा हुआ लेकिन वो तभी भारत उस टाइम में 1946 में ऑब्वियसली इट पार्ट ऑफ इंडिया सिंध में तो मैं गुलाम नहीं बोलूंगा ना पाकिस्तान नहीं बोलूँगा हाँ तो मैं बोलूँगा मैं भारत में पैदा हुआ हूँ भारत की भूमि पर मैंने अपना जीवन संवारा है कर्म किया है और भारत की भूमि पर ही मैं मरना चाहता हूँ सर आप सिंध में पैदा हुए राइट तो व्हेन वी गॉट पार्टीशन इन द ईयर 1947 मतलब एक साल का जब आप थे डेढ़ साल के थे इमीजिएटली फ्रीडम मिल गया तो फिर आप लोगों ने शिफ्ट किया आपके पेरेंट्स ने देखिए जनवरी मंथ में कराची में रॉयड्स हुए तो हमारे दादाजी ने पिताजी ने जैसे बताया तो ऑब्वियसली देट टाइम हम लोगों ने सोचा कि यहाँ अभी रहना हमारे लिए मुश्किल है तो हम रामबाग कराची एरिया में रहते थे तो हम लोग आए और शिप से बॉम्बे पे उतरे और डायरेक्टली सीधा मलाड मदा आइलैंड पे ने हमको वहाँ छोड़ा हु? उसके बाद में फिर चार पाँच साल वहाँ रहे और उसके बाद में हमने शिफ्ट उल्लासनगर में किया अच्छा तो आपका थोड़ा सा बचपन मेरे ख्याल से जैसे आपने बताया मदा आइलैंड पे गुजरा मलाड के आसपास में आफ्टर फोर फाइव ईयर यू शिफ्टेड टू उल्लास तो उसके बाद फिर आप उल्लासनगर के हो गए बाद में हम उल्लासनगर में आए और क्योंकि मेरी दादी चाहती थी कि हम उल्लासनगर में रहे तो हम लोग उल्लासनगर में आए और फिर स्ट्रगल की आप सब लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि पार्टीशन के बाद सिंधी लोग खाली हाथ आए कुछ भी नहीं था हाथ में केवल हम अपना जो वर्सों जिसको बोलते हैं जो आवर एनहेरिटेंस जो था वो उसको लेकर हम इधर आए आवर ब्रेन वी इट हेयर we worked very hard mm. and uh, now we are here uh, in such position yeah. that is i am before you yeah. i retired retired in 2006 as a senior scientist from iit scientist ah, uh, i was, a scientist. Scientist. Yes. I, was he, he. I thought uh, you belong to some media no no i, I, I told you no i worked in TIFR ah. after in a microwave group and uh, after that we formed a uh, samir ऑर्गेनाइजेशन एंड वी शिफ्टेड इन आई आई टी कैम्पस दे आर आई वर्क नियरली ट्वेंटी ईयर्स आई वर्क इन टी आफ आर एंड ट्वेंटी ईयर्स नियरली आई वर्क इन समीर एंड रिटायर्ड एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट केमिकल डिविजन एंड एज अ सीनियर साइंटिस्ट राम देर सर आपका जो ये फील्ड था साइंटिफिक जो आप खोजनाएँ करते थे कौन सी फील्ड में था वी आर वर्किंग इन टेली कम्युनिकेशन एंड माई वर्क वॉज द प्रेशस मेटल प्लेटिंग वर्क एंड न्योबेट फेफर टेक्नोलॉजी दैट इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द कम्युनिकेशन थ्रू लाइट सो आई वॉज इन टच विद दैट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी विच एज वी आर वर्किंग फॉर द डिफेंस सो अवर प्रोजेक्ट्स वी कैनॉट डिस्कस विद अदर्स बिकॉज देयर इज अम प्रोटोकॉल है सब एथिक्स हैं उस पर तो ये मुझे नहीं पता था कि दादा साइंटिस्ट रह है चुके हैं तो ये पता था कि आप कहीं गवर्नमेंट जॉब कर थे मैंने आपका प्रोफाइल पढ़ा था थोड़ी सी आरएनडी की थी लेकिन कहीं से मुझे ये मिस हो गया कि यू हैड वर्कड एज अ साइंटिस्ट आल्सो तो एक नज़र में और भी इज्जत बढ़ गई आपकी क्योंकि साइंटिस्ट एक अलग ही लेवल पे चला जाता है तो सर ये यू गॉट रिटायर्ड इन द ईयर टू थाउजेंड लेकिन इसके पहले ही आप सिंधु यूथ सर्कल से जुड़ चुके थे वैन यूर फोर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ईयर्स में When I was in 9th standard, hmm. from onwards I am continuing. तो मतलब ये आपकी uh, extra curricular activities चल रही थी uh, beside your job? देखिए मुझे अपनी जाति से ज़्यादा गर्व होता है hmm. और मैं जो S.S.C pass की वो भी मैं सिंधी मीडियम में pass की okay. इसलिए मुझे अपनी भाषा के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ है hmm. तो uh, तो उसको मैं कैसे भुला सकता हूँ यदि yeah. मुझे कोई पूछे कि आप कौन हैं तो मैं कहूँगा सिंधी हूँ तो और सिंधी होकर यदि मुझे सिंधी भाषा ना आए तो मैं बोलूँगा तो दूप पे डूब के मरना चाहिए तो इसके लिए मैं सबको बोलता हूँ भले आप कुछ भी बनो देखिए आपको आपको डॉक्टर अब्दुल कलाम मालूम है प्रोफेसर एम जी के मेहनन मालूम है प्रोफेसर सी, सी वीर श्रीकांतन मालूम है प्रोफेसर आर वी सीताराम मालूम है जो हमारे हेड्स थे जो जो बहुत फेमस थे किन लोगों को पद्म भूषण और बड़े बड़े और डिफेंस सेक्रेटरी भी बने डॉक्टर एम जी के बहन उन लोग जब भी अपनी भाषा बोल सकते हैं तो इतने बड़े पद पे पहुंच सकते हैं तो हम अपनी भाषा बोल के क्यों नहीं पहुंच सकते देर आर मैनी एग्जाम्पल इन सिंधी कम्युनिटी राम जेठ मलानी इज अ वेरी लीगल लिमिनरी एंड लॉ मिनिस्टर ही वॉज ऑन अ वेरी टॉप Cabinet Minister and Lal Krishna Advani, hmm. Deputy Prime Minister hmm. of India, yeah, yeah. when they can reach on that, so every Sindhi can reach. Yeah. Why they feel ashamed to talk in Sindhi? So, yeah. if you forget your mother, that means you are forgetting everything. Yeah, yeah. So, it is our duty, we should not forget our mother tongue. दोस्तों ये दादा के इस पे मैं एक थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ आई वुड हैव लव्ड टू इंटरव्यू हिम इन सिंधी लैंग्वेज बट मैंने ये देखा कि दादा के सिंधी में इंटरव्यूज बहुत सारे हैं तो एक रेस्ट्रिक्शन भी हो जाती है जो नॉन सिंधी कम्युनिटी हैं मैं चाहता था कि दादा के बारे में वो भी जानें तो मैंने आते ही दादा को ये रिक्वेस्ट की कि सर आई वॉन्ट टू इंटरव्यू यू इन हिंदी और इंग्लिश पे सिंधी में इनके बहुत सारे इंटरव्यूज हैं जो सिंधी कम्युनिटी है वो तो इंटरव्यू समझ जाएगी जो नॉन सिंधी हैं दे शुड ऑल्सो नो कि द पर्सनैलिटी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी इज़ नॉट अ कॉमन मैन इन्होंने जो किया है बहुत कम लोग कर सकते हैं तो मेरी दिल से ये इच्छा थी कि मैं इनका इंटरव्यू सिंधी में ना ले हिंदी या इंग्लिश में लूँ मुखेंधी गाली आ मुख सिंधी लैंग्वेज से प्यारा मैं भी सिंधी आया थोड़ा माँ चही कर प्रूव तो करना चाहें कि आई ऑल्सो नो सिंधी आई एम अ सिंधी पर्सन तो जोक्स अपार्ट ज़्यादा सिंधु यूथ सर्किल की नींव आपने रखी विद द ग्रुप्स विद अ ग्रुप ओके उस टाइम पे मेरे ख्याल से आई वाज द यंगेस्ट वन यू वर द यंगेस्ट वन बट दिस थॉट केम टू योर माइंड और सम वन एल्स टू क्रिएट अ सिंधु यूथ सर्किल वी वर जस्ट फ्रेंड्स नो वी वर स्टेइंग नियर बाय आवर सिंधु यूथ एंड सेक्शन 21 एंड 22 At night at 12 o'clock, we were just shouting and loudly talking near the barrack. Mm -hmm. So, one woman came out mm -hmm. at around uh, 1 o'clock mm -hmm. and she told, Means she told, You bastard people, you don't have your home. Oh. You are talking about midnight one. Uh, midnight. midnight. Around 1 o'clock. You are shouting, talking loudly. How can we sleep? You are disturbing us. So we that time thought it that she lady is correct. Mm. They had to do the work morning and do their thing, and we are chit chatting mm. and harassing others. Ah. So we should have find a place mm. where we can sit together and talk. Mm. So like that thought become reality. So who, <sighs> firing thi, that firing was actually disguised. Yes. Blessing in disguise. Yes, yes. Blessing in disguise. I think she should have to get award. मे बी नॉट मोर नाउ एक्चुअली हाँ अनफॉर्चुनेट दैट वो जो लेडी थी जिनकी फायरिंग से वी कैन से इट्स अ ब्लेसिंग इन डिजग यू नेवर नो आगे लाइफ में कौन सा स्टेप लिखा हुआ है आपकी डेस्टिनी में तो ज़्यादा की डेस्टिनी में लिखा था सिंधु यूथ सर्किल में बार बार बोल इट्स नॉट अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इट्स बेस्ड इंटरनेशनली वेरी फेमस तो ये दादा ने बताया कि जो फाउंडेशन थी इनके और इनके दोस्तों ने मिलकर सिंधु यूथ सर्किल को बनाया है उसके बाद बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलती गई दादा से इस इंटरव्यू में और जानेंगे इसके <coughs> जर्नी के बारे में मेरी इससे ज़्यादा एक्टिविटीज एक्चुअली बॉम्बे में थी इससे ज़्यादा यदि यू ऑलरेडी एक्टिव इन मुंबई एट दैट टाइम बॉम्बे तो मेरी एक्टिविटीज वहाँ बहुत थी आई वॉज यूनियन लीडर इन टी एफ आर नियरली आई वॉज अ ट्वेंटी ईयर्स लीडर इन टी आर एज यूनियन प्रेजिडेंट एंड आफ्टर दैट सम समय आई एम अ फाउंडर प्रेजिडेंट ऑफ द समीर implies uh, association. Sir, this yes, Samir stands for what is the full form? Society for Microwave Advanced Technology. Okay. So this is a uh, 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 the uh, working under the uh, government of India, okay. but we are not a government servant. Mm. We are not gazetted officer. We don't have ablam uh. We are autonomous body, but 100% funded by government. तो वहाँ मैं जब था तो आप लोगों को मालूम है एम्प्लॉज को कितने प्रॉब्लम्स होते हैं तो टी में जब यूनियन बनी तो मैं प्रेसिडेंट था तो नियरली 2000 स्टाफ टी में था तो उनकी हाउस रेंट के और जिनको मेमो मिलते थे वो प्रॉब्लम्स को डिट्रेजमेंट के और हाउसिंग प्रॉब्लम खास करके जो आ, नेवी नगर टी एंड द नियर द सी फेस इट वॉज़ द Uh, such a place, a beautiful place, and that uh, TIFR was uh, uh, built by uh, Homi baba yeah. and uh, JRD Tata. Mm. So that was the, uh, uh, say the uh, the only only scientific monument, fundamental monument in India. Mm. And uh, those know that TIFR, they may tell you more about that. Mm. So. Uh, uh, we there uh, for the housing of the scientists and other pe uh, our employees. We uh, one week we st started education mm -hmm. to that we should have a house in a remote co corner. So uh, the journey was very long to come from remote places mm -hmm. at there. So uh, JRD Tata called in Bombay house mm -hmm. and there 100 crores were sanctioned mm -hmm. that time in uh, 1970. Uh, s s 78 around 100 crores were sanctioned to uh, form a housing colony. At present, that market value of that colony is uh, more than 15,000 crores. So that was one of the, my biggest achievement in that thing. And uh, 20 years, you know, all other problems we have faced in uh, emergency time, we were detained also, but we left. We were released around two o'clock night. In emergency time, and after that, uh, I came in some for, for, uh, for how long you were detained? Uh, around uh, six to eight hours only. Achai. So director came hmm. that uh, <coughs> he 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 become a surety for us okay. because uh, running a, a union activities and a scientific institute that time was banned by Indira Gandhi. Yeah. Hmm. So that's why that's why we were taken some. ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम स्पेंडिंग बिहाइंड बार्स बट दैट वॉज अ नोबल कॉज फॉर यू एंड एमरजेंसी में तो काफ़ी बड़े बड़े लोग अंदर गए थे आई थिंक इट वॉज इन दी फटी सिक्स के आस पास की बात है वो मुझे इसके लिए याद है बिकॉज शोले मूवी वॉज रिलीज अभी दादा ने होमी बाबा का नाम लिया था तो होमी बाबा के ऊपर बहुत बड़ी वेब सीरीज फोर्थ फेबररी 2022 को रिलीज हो रही है इट्स अ लाइफ जर्नी ऑफ होमी बाबा एंड विक्रम साराभाई आप देखिएगा सोनी लिव पे है uh, उसका नाम है रॉकेट बॉयज मैं इसलिए याद करा रहा हूँ क्योंकि मेरे बेटे ने वेब सीरीज़ में काम किया हुआ है हालांकि मेरा बेटा चिल्लाएगा कि आप क्यों मेरी प्रोपोगंडा कर रहे हो मैं सन एज वर्कड एज अ स्क्रिप्ट सुपरवाइज़र एंड कंटिन्यूटी सुपरवाइज़र सोनी लिव पे फोर्थ फैब पे ये होमी बाबा और विक्रम साराभाई के ऊपर सीजन वन रिलीज हो रहा है होपफुली मेरे ख्याल से अच्छा ही होगा इंटेलेक्चुअल वेब सीरीज है नाम है रॉकेट बॉयज ऑन सोनी लिव सो कमिंग बैक टू ज्यादा सॉरी वो होमी होमी डॉक्टर होमी बाबा ही डाइड इन प्लेन क्रैश आई थिंक इट इज इन 66 इन hmm. 66 दैट टाइम आई एक्चुअली आफ्टर हिज क्रैश ऑफ द प्लेन आफ्टर सम टाइम आई वाज बाय गॉट द जॉब देयर ओके And regarding the JRD Tata, you know there is a Homi Baba Auditorium in TIFR. Mm. That was the only first auditorium with language translator, mm. in six languages, you can translate mm. whatever is running on the stage. After that, that was uh, inaugurated by Shrimati Indira Gandhi, mm. that time. And after that, as it was a fundamental research center, mm. they don't do not want that um, the auditorium should be for the public. Mm. So then there is a thought of, dream of the uh, National Center for Performing Arts, yeah. NCPA, yeah. which is at Nariman Point. So that also built by the uh, J.R.D. Tata. Tata. Yeah. So I met him. He is a very gentleman, yeah. good person. Yeah. Uh, I have got a very good uh, impression about him. Yeah. And Homi Baba was a very good painter also. Yeah. He was not only scientist, but a very good painter.

फर्स्ट आर्ट गैलरी है दो हजार पंद्रह में छब्बीस जनवरी को कल छब्बीस जनवरी है दो हजार पंद्रह छब्बीस जनवरी को इस आर्ट गैलरी का हमने मिस्टर माइक रामचंदानी या मोती रामचंदानी फ्रॉम जॉर्जिया अमेरिका, उसके हाथ से हमने करवाई थी जो हमारे संस्था के बहुत ही अच्छे डोनर है और हमें बहुत हेल्प करते हैं खास करके विडोज को राशन देने में यू वाज अ जर्नलिस्ट देयर आल्सो तो uh, so उसने हमारा ये आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया तो ऐसी टाइप का कंसेप्ट उल्लासनगर में नहीं है और आज तक नहीं बना है yeah. तो दिस आर्ट गैलरी टू थ्री टाइम्स ओनली यूज बाय yeah. अदर्स अदरवाइज अवर ओनली हिस्ट्री इज हेयर okay. तो, तो ये आर्ट गैलरी से आपने देखेंगे कि हमारी बहुत एक्टिविटीज़ आपको दिखाई देगी और 20 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हमारी चलती है साठ साल की जर्नी है तो बहुत ही कुछ कार्य किए हैं और भी करने की इच्छा है तो हमारी जो मैगज़ीन निकलती है सिंधु मैगज़ीन, इट हैज़ क्रॉस थर्टी नाइन ईयर्स तो वो लिटरेरी मैगजीन है जो सिंधी अरबिक में निकलती है एज अ वेरी फेमस सिंधु मैगजीन और हम लोग इस आर्ट गैलरी में नियरली छः से सात प्रोग्राम हर महीने में करते हैं एंड फर्स्ट वीक ऑफ संडे है सिंधी चौकी सिंधी गाना बजाना तो जिसको भी गाना बजाना आता है तो यहाँ आके वो अपनी प्यास ये करते हैं। Achha, sir, like देखो, मैं आपको जैसे बताऊं कि छह एक्टिविटीज चलती है इस कॉन्फ्रेंस <laughs> इसी हाल में hmm. पहले संडे को साढ़े ग्यारह से दो बजे तक सिंधी चौकी hmm. दूसरे संडे पे हिंदी म्यूजिक hmm. हिंदी गाना बजाना थर्ड थर्ड कराओ के प्रोग्राम एट इवनिंग फ्रॉम सेवन टू नाइन पी एम ऑन थर्ड सैटरडे कराओ के प्रोग्राम एंड फोर्थ इज लिटरेरी बैठक जिसको सिंधी में अदबी बैठक बोलते हैं अदबी बैठक बोलते हैं जो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा यदि कोई अदबी बैठकें हुई है तो वो इस सिंधु सर्कल में हुई है सिंधी में होती है तो उसके हमारे हरी चौतानी जी हैं वो संभालते हैं तो लाइक दैट वी हैव ट्वेंटी एट मेंबर्स कमेटी, द इज अ बिग कमेटी, एवरीबडी हैज गट अ डिपार्टमेंट दे आर वर्किंग तो ये चार प्रोग्राम हो गए हमारे सिंधु सर्कुल को वूमेन विंग है तो उनके ओर से चांद का दिवस जैसे सिंधी में अस चंड उन चंड जो झारखंड झूल लाल साई वेठो आते सामू तो झूलला अवर लॉर्ड इज देयर वी आर ऑलवेज वर्शिपिंग हेयर and we give many young artists a chance mm. to perform in sindhi yeah. to show their performance mm. so they are showing their performance and uh, we have got a student wing also mm. so Sindhi fusion one two inter college drama competition in india we have made uh, we have uh, nearly done 20 uh, 21 uh, inter college drama competition mm. in this 60 years journey 21 inter इंटर कॉलेज ड्रामा कॉम्पिटिशन आवर इज द ओनली ऑर्गनाइजेशन इनटीन एटी वन दिस इज अंधु भवन ऑडिटोरियम ओपन एयर ऑडिटोरियम विथ ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटीज इज बिल्ड बिल्ट देर वॉज नो एनी ऑडिटोरियम बिट्वीन थाने टू पुणे इट वॉज द फर्स्ट ऑडिटोरियम वी बिल्ट बाय सिंधु सर्किल दे आर वी गॉड द गॉड फादर दादा मूर्जमल मंगनानी एवरीबडी नोज वेरी वेल द मूर्ज मगनानी he, on our appeal, he came forward. Mm. he was a uh, chairman of uh, international uh, traders company, company that time. Mm. and uh, uh, he is our godfather. Mm. i treat him as godfather. Mm. and uh, he is the only person mm. that because of that in india, the literary activities, drama activities, mm. and other jk, cultural activities, other, sindhi cultural activities, he is the founder of that all the activities. Mm. मैं ऐसा कहूँ कि दादा मूर्जमल ने अखिल भारत सिंधी सभा जो थी उसका जो पाँच हज़ार का उसने इनाम से उन्होंने चालू करवाया जो कम से कम आज से चालीस साल पहला हो गए तो ही वाज द पर्सन उसके पीछे जो इनाम उसने चालू कराया सीता सिंधु भवन में भी प्रोफेसर राम पंजवानी को उसने सबसे ज़्यादा मदद की नहीं। नहीं। और ये सिंधु सर्किल तो उसका चीफ पैटर्न रहे हैं और हमारे गाड फादर हैं हम उसको मुरबी भी कहते हैं सिंधी में यदि वो ना होते थे तो हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी नहीं होती थी आज उसका सुपुत्र जो चंद्र मंगनानी है वो हमारे प्रेसिडेंट है अनफॉर्चुनेटली अवर दिस चीफ पेट्रॉन मिस्टर मुरज मंगनानी लेफ्ट हेवेली बोर्ड ऑन इन फोर्थ जून टू थाउजेंड नाइनटीन इन एज ऑफ नाइन्टी टू

हिंदुस्तान में तीन बड़े से बड़ी ऑर्गेनाइेशन बनी या उनके पैसे से या उसके मार्गदर्शन तो उसमें तीन ऑर्गेनाजेशन सबसे ज़्यादा बड़ी है तो उसमें से सिंधु सर्किल एक है सीता सिंधु भवन एंड इंडियन इंस्ट सिंधलाजी आदिपुर एंड सिंधु सर्किल नाउ इंडियन यू नो द कंडीशन ऑफ द देयर एक्टिविटीज आर वेरी स्लो एंड दिस सिंधु सर्किल इज बूमिंग लाइक एनीथिंग सो Our journey is started. We are still climbing, climbing. We reached to Kanchenjunga. Now, new team has come in Diamond Jubilee. Our election was there in December for 2022 to 2025, three years period. The new team has taken over the charge, and uh, from 1st January, and now journey is started, and we want to reach to the Mount Everest. What post you are holding now, sir? I am a Chief Executive Trustee. And Chief executive trustee yes and honorary general secretary you call it both posts okay. and uh, I I am uh, very proud mm -hmm. that uh, this organization is a uh, very transparent mm -hmm. and every previously up to 2000 where every one year election was held through ballot paper mm -hmm. secret ballot paper yeah. and after 2000 uh, we have a three years period three years. so this is continuing and I am uh, proud mm -hmm. that with fighting I have come up as a

ये बात सच है क्योंकि मैं जब उल्लासनगर में जैसे दादा ने बताया था इसी प्रमाइसिस uh, में वन आई वॉज एसोशिएटेड विद ड्रामा सिंधी प्ले तो एज एन ऑडियंस भी मैं यहाँ पे आता था और जब हम लोग का प्ले हुआ था मेघानी दादा हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे द वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ सिंधी ड्रामाज तो आई वॉज अ पार्ट ऑफ हिस ग्रुप अ स्मॉल पार्ट ऑफ़ द लीजेंट राधर से तो एज एन ऑडियंस मैंने बहुत सारे प्लेज यहाँ पे देखे और मैंने खुद दो तीन प्लेज भी किए हुए यहाँ पे मैं